मैनचेस्टर में भारत न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल वन अड्डे से टुडे में तब्दील हो चुका है, लेकिन आज रिजर्व डे पर भी बारिश का साया है। मैनचेस्टर का वेदर फोरकास्ट बताता है कि वहां स्थानीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे के बाद बारिश हो सकती है। इसके ये मायने हैं कि वहां आज का खेल तो समय पर शुरू हो सकता है, लेकिन एक घंटे बाद बारिश आ सकती है। आज रिजर्व डे पर न्यूजीलैंड की पारी दोबारा नहीं होगी, बल्कि वे अपनी पारी पूरी करेगा। मंगलवार को बारिश के कारण खेल रुकने के वक्त न्यूजीलैंड ने 46.1 ओवर में 5 विकेट खोकर 211 रन बना लिए थे। रॉस टेलर और टॉम लाथम नाबाद हैं। भुवनेश्वर बुमराह के 2-2 ओवर बचे हैं। आज का वेदर फॉरकास्ट qweather.com के मुताबिक मैनचेस्टर में अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, जबकि पूरे दिन बारिश की 57% आशंका है। मैच शुरू होने के तय समय के 1 घंटे बाद तेज बारिश और उसके 2 घंटे बाद तेज बारिश की आशंका है। दोपहर बाद धूप निकलने के आसार नहीं है। अगर मौसम साफ रहा तो बारिश आज के खेल में रुकावट नहीं डालती है तो न्यूजीलैंड अपनी पारी पूरी करेगा और भारत को लक्ष्य का पीछा करने के लिए पूरे 50 ओवर मिलेंगे। 2. अगर 3 घंटे से ज्यादा बारिश होती है तो न्यूजीलैंड की पारी के सिर्फ 3.5 ओवर बचे हैं, यानी उसकी पारी का करीब 4.25 घंटे का खेल मंगलवार को ही हो चुका है। ऐसे में आज 4 घंटे तक मैच रुकने और उसके बाद मैदान खेलने लायक होने पर भी भारत को पूरे 50 ओवर का मौका मिलेगा। 3. अगर बारिश 4 घंटे से ज्यादा समय तक आती है तो नियमों के तहत आज ही मैच पूरा कराने की कोशिश होगी, लेकिन 4 घंटे से ज्यादा समय तक मैदान गीला रहने पर ओवर कम किए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में कम होते ओवरों के साथ भारत के लिए लक्ष्य मुश्किल होता जाएगा।